पर हेलो दोस्तों, हम कोई भी सॉन्ग बनाते हैं तो कोड्स बनाना उसकी एक मेजर रिक्वायरमेंट होती है सॉन्ग की। मतलब ऑलमोस्ट हर एक सॉन्ग में कोड्स यूज़ होती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने वोकल्स की कोड्स निकाल पाएंगे, और साथ ही साथ सिर्फ नॉर्मल वोकल्स की नहीं, आप अपने रैप वोकल्स की भी कोड्स निकाल पाएंगे बड़े ही आसानी से। बहुत ही आसान टेक्निक है। यूजुअली लोग अपनी ईयर ट्रेनिंग की हेल्प से कोड्स फाइंड करते हैं, बट जो एकदम स्टार्टर है तो उसको तो इतनी नॉलेज नहीं है, उसके कान उतने ट्रेंड नहीं है कि कोड्स निकाल पाएँ। तो इस टेक्निक से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और इवन कोई ट्रेंड बंदा है और उसको भी कभी कभी दिक्कत होती है तो ये ट्रिक उसके भी काम आएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड तक ही आपको पता चलेगा कि मेन ट्रिक काम कैसे करती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ट्रिक। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिक पता चल गई और आप चले गए कोड निकालने और आपसे निकल गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थ्रू आउट द वीडियो ही पता चलेगी स्टेप बाय स्टेप। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यूजुअली लोग वीडियो देख के ऐसे ही भाग जाते हैं और वीडियो लाइक नहीं करते, तो आज हम वीडियो का लाइक टारगेट भी रखेंगे। लाइक टारगेट है 500 लाइक्स का, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ एक लाइक ही तो देना जो कि फ्री है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाना। और हाँ, कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। ये है हमारा वोकल, हम पहले वोकल सुन लेते हैं। ये मैंने एक कुछ चंद लाइन गा के राग ओरिजिनल्स पर अपलोड की थी, तो आप चेक कर सकते हो पूरा सॉन्ग, उधर ही इसके FLP भी आपको मिल जाएगी। आवाज लगाए दिल रोज बुलाए, आजा ना सोनिया आजा सोनिया। तो हमने इसमें जिस तरीके की कोड्स यूज की हैं, तो सेम कोड्स आप कैसे निकाल सकते हैं? जो भी कोड्स हम अपन पहले डिलीट कर देते हैं, कोड्स को सभी को डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद अब हमको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि आपको अपने वोकल्स को अच्छे से ट्यून करके रखना है, अच्छे से सही पिचिंग करके रखनी है। आपको कैसे भी, अगर आपको की फाइंड करनी नहीं आती तो आपको ये दिख रहा होगा वीडियो का थंबनेल, तो वो वाली वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो आपको की फाइंड करनी भी आ जाएगी कि की कैसे फाइंड करनी है। तो आपको की फाइंड करनी है, अपने वोकल्स के अच्छे से पिचिंग करनी है न्यू टोन में, और न्यू टोन में ही जाना है। ये मेथड मैं पहले समझा चुका हूँ, बट इतना इनडेप्थ में नहीं समझा पाया था मैं इसको, तो आज इनडेप्थ में वीडियो करेंगे और इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको कोड्स कैसे बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप है आपको अपने वोकल्स अच्छे से ट्यून करने, मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी। तो क्या करना, सेंटर कर देना है फुल। इनको हमको वोकल्स को एक्सपोर्ट नहीं करना है इसमें से, बस ऐसे ही बस सेंटर फुल कर देना, वेरिएशन जीरो कर देनी, ताकि जो भी ये वेव्स हैं ऐसे ऊपर नीचे ये साफ़ हो जाए एकदम क्लीन, हमको दिखाई दे कि क्या मैटर है पूरा। और अभी हमको देखना है कि हमारा कहाँ है वो कोई भी नोट। तो हमको पहली कोड फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले देखते हैं वोकल सुनते हैं। आवाज लगाए, तो रोबोटिक से हो गए हैं वोकल, तो उसके लिए उसको इग्नोर करें, उसका फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। ओरिजिनल वोकल्स जैसे हैं हमारे वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम नोट्स देखेंगे कौन से नोट्स यूज हुए हैं, सी ओके डी। तो पहले वोकल जो है हमारा, इसमें सी सी नोट यूज़ हुआ है और डी यूज़ हुआ है, तो हमें इन्हीं में से एक नोट यूज़ करना होगा पहला। तो चलिए हम एक ट्रायल और एरर करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम पता करेंगे कौन सी कोड लगेगी इस पर। तो हम यहाँ जाते हैं और चलिए, तो हम पहले सी लगा के देखते हैं। और सबसे पहली एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पियानो रोल में क्या करना है, अपनी की सेट करके रख लेनी ताकि दिक्कत ना आए। क्योंकि जो भी देखिए ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक लाइंस है ना, इनमें हमको अपनी कोड लाइन नहीं रखनी है। ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में ऐसा होता है कि आपको अपने स्केल से बाहर नहीं जाना होता। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हाँ, कई बार हम स्केल से बाहर की कोई नोट भी यूज़ कर लेते हैं, बट 95% केसेस में आपको अपने स्केल से बाहर का कोई नोट यूज़ करना नहीं होता। तो यहाँ पर व्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्केल हाईलाइटिंग, और यहाँ पर आपका जो स्केल है, की है आपके सॉन्ग की, वो आपको सेलेक्ट करनी है। रूट नोट हम कर लेते हैं जी माइनर, किया हुआ मैंने, यहाँ से करेंगे माइनर नेचुरल, मतलब नॉर्मल जो हमारा माइनर होता है, तो जी माइनर मेरे का स्केल है तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसको ज़रूर करके रखें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से नोट्स आते हैं स्केल में। तो हमने क्या देखा था, सी और डी देखा था, तो पहले हम सी ट्राई कर लेते हैं। चलिए एक ये तो नहीं आएगा, इसके बीच में एटलीस्ट माइनर तो होना चाहिए, तो 1 2 1 2 3 यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्या बन गया, सी माइनर बन गया। अभी हम देखते हैं अगर ये अच्छा लगेगा तो। चलिए आवाज लगाए दिल, इसकी वॉल्यूम आवाज,
और थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं इसकी आवाज। मज़ा सा नहीं आया, कुछ फीलिंग्स ही नहीं आई इस कोड को लेके। तो मतलब ये कोड नहीं है यहाँ पर, तो हमको दूसरी कोड ट्राई करनी पड़ेगी। दूसरा नोट था ऊपर वाला, उसका डी था, तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। ये लीजिए और देखिए ये वाइट लाइन पर ही है, तो ठीक है डी माइनर ठीक है। अभी हम चेक करके देखते हैं क्या सूट करेगा ये। आवाज लगाए, हाँ मतलब ठीक सही साउंड कर रहा है, तो मतलब डी माइनर इसकी कोड हो गई। और अभी हम नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं। चलिए अभी वापस से न्यू टोन में जाएंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जो मेन रूट नोट होता है वो ये होता है जहाँ पर हमारी लाइन खत्म होती है, लगाए। तो आप वो भी ट्रायल एरर कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है अगर हम इसमें ए लगाते हैं। चलिए ए यूज़ करके देखते हैं, यहाँ पर ए यूज़ करके देखते हैं ए। तो हमारा जो लास्ट का नोट है ये ठीक है, चलिए वाइट पे है, ये भी वाइट पे है, और जो लास्ट जो है वो ई पर है जो कि ब्लैक पे, ई नहीं आता जी माइनर में, तो मतलब ये हमारी गलत कोड हो जाएगी, तो हमको ये नहीं यूज़ करनी है। तो हमारा इसमें हमारी कोड रहेगी डी माइनर, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ और फाइंड करते हैं हमारी नेक्स्ट कोड। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए पहला जो था वो वैसा ही है, उसके बाद जो दूसरी लाइन आई है वो भी सेम ही है। अब उसमें क्या करेंगे हम? आवाज लगाए, दिल रोज बुलाए। अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक में तो हमने डी माइनर लगा दिया, क्या हमको दूसरी कोड भी डी माइनर ही लगानी है? अब टेक्निकली आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, बट वो एकदम से सूट नहीं करेगी, मतलब उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं दे पाएगी, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगी। तो या तो आप कोई अलग पैटर्न यूज़ करें, या यहाँ पर हम देखते हैं अगेन दो नोट हैं, डी है और सी है, ठीक है, और एंडिंग नोट्स वही आपके ए, तो इसको करेंगे इग्नोर। अभी हम फोकस कर लेते हैं इन पे। तो हमने पहले में डी लगाया था, हम दूसरे में सी लगा के देख लेते हैं एक बार सूट करता है कि नहीं करता है। तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग सोचेंगे कि हम इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ इससे चांसेस हैं कि आप इस पे डिपेंडेंट हो जाएं, बट साथ ही साथ इसमें आपकी ईयर ट्रेनिंग भी काम आएगी, आपके जो कान हैं वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है। क्योंकि देखिए ह्यूमन जो होता है उसके अंदर इनबिल्ट होती है ये चीज़ जन्म से ही, म्यूज़िक, ठीक है। तो आप म्यूज़िक को बचपन से सुनते आ रहे हैं और आपके अंदर है वो नॉलेज, बस आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रेनिंग नहीं है तो आप कोड्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर कोई भी गलत नोट लगेगा आप तुरंत आपका दिमाग आपको बता देगा कि ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सही चीज़ होती है हमारी। तो ये तो डी शार्प हो गया था गलती से, सॉरी। ओके चलिए अब हम सी करके देखते हैं। सी अगेन वाइट पर है, ठीक है। ओके ये भी वाइट पर है, ठीक है। अब पहली दूसरी, तो अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। आवाज लगाए, दिल रोज बुलाए, आजाना सोनिया। तो क्या है, हमने अपनी दो कोड सेट कर ली हैं, बिल्कुल ही सही, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। अभी थोड़ा सा इसको जूम, आजाना सोनिया। अभी हमको देखना है कि कौन सा इसमें हमारा नोट फिट बैठेगा। चलिए अभी यहाँ पर कितने हैं, एक एफ है, दूसरा जी है, और उसके बाद जो आता है हमारा ए, एफ जी ए। तो हम तीनों को ट्राई करके देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले हम एफ का देख लेते हैं कौन सी कोड आएगी। चलिए हम देख लेते हैं एफ में कौन सी कोड आएगी, अब एफ अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। चलिए एफ कहाँ गई, एफ तो बहुत नीचे शायद, ये तो बहुत ज़्यादा नीचे होगी, ये मुझे पता नहीं सूट करेगी। अब देखिए एक है वाइट पे, चलिए तो एक है वाइट पे, दूसरा है, दूसरा नहीं है वाइट पे, मतलब ये गलत नहीं है, इसको हमको मेजर करना होगा। ये माइनर कोड थी, अभी हमको इसको मेजर पे ले गए, तो 1 2 3 का गैप मतलब मेजर हो गई। तो अभी हम सुन के देखते हैं क्या ये अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगेगी तो हम इसको रख लेंगे। आ
जाना सोने, ठीक भी लग रही है बट बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ी सूटेबल नहीं लगी है, क्योंकि इसमें हम देख लेते कौन कौन से नोट्स आएंगे। हमारा एफ आ गया, ए आ गया और सी आ गया। तो नेक्स्ट कोड थी हमारी, नेक्स्ट जो भी नोट यूज़ हुआ था यहाँ पे जी यूज़ हुआ था। तो चलिए एक बार जी को हम देख लेते हैं यूज़ करके। अभी चलिए जी, चलिए हमने जी कर लिया और यहाँ पर ए, चलिए ठीक है। आज बुलाए आजाना सोने जाते हैं वापिस न्यू टोन में, चेक करते हैं। तो इसमें हमको जी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो लाइन में बहुत ज्यादा नोट्स यूज नहीं हुए हैं एफ के, सिर्फ एक नोट यूज हुआ है और बाकी ज्यादातर नोट्स हमारे जी में यूज हुए हैं। तो हम जी रख लेंगे। एक हमको कई तरीके अलग अलग रेफरेंस लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारी ये कोड फाइनलाइज होगी। तो यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा नोट्स हुए हैं जी के यूज़, और जी भी वहाँ पर ज़्यादा सूट कर रही है, तो हमने ये रख ली। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। आजा सोनिया, तो अभी आजा सोनिया, तो नेक्स्ट कोड अभी क्या हो सकती है हमारी, क्योंकि यहाँ पर जी आ गई और वहाँ पर अगर हम देखें वापिस से जाकर देखते हैं तो आजा सोनिया। तो यहाँ पर देखिए जी में क्या हो रहा है, जो लास्ट नोट है वो हमारा जी है। चलिए ज्यादातर एरिया वही गिर रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर ज्यादा नोट ए के यूज हुए हैं, तो ए तो हम नहीं ले सकते हैं कोड, ठीक है, ए तो नहीं हो सकती है। हाँ बट ऐसा हो सकता है कि किसी कोड में आपका ए नोट आ सकता है बट ए कोड नहीं आ सकती है, ना मेजर आ सकती है ना माइनर आ सकती है। तो ए तो रिजेक्ट हो गया, सिर्फ नोट अलाउड है कि ए नोट आ सकता है हमारा। तो चलिए देखते हैं, या तो जी रखना पड़ेगा, या तो उसमें क्या हो कि ए और जी दोनों आए, या फिर जी माइनर ही रखनी पड़ेगी। तो आपके पास हो सकता कोई चॉइस ना हो, तो मे भी आप चाहें तो यहाँ पर कोड रिपीट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, ए तो हम नहीं ले सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पर एफ ले सकते हैं। एफ भी मुझे तो नहीं लगता कि एफ इस पर सूट करेगी। यहाँ पर आजाना सोनिया, आजा सोनिया, अभी हम एफ रख के देखते हैं। चलिए एफ रख के देख लिया, इसमें पर इसमें ना जी है, इसमें सिर्फ एक ए नोट है जो उसमें अवेलेबल था। तो अभी देख लेते हैं हम। आज लगाए दिल रोज बुलाए आजाना सोनिया, आजा सोनिया। तो ठीक है, तो हमारी लास्ट कोड हो गई फाइनलाइज, कि हमने सारी कोड्स अपनी डिसाइड कर ली, डी सी जी और एफ, मतलब एक उतरता हुआ पैटर्न बन गया हमारे पास। तो हमने अपनी सारी कोड्स फाइनलाइज कर ली हैं। अब इसमें हम अलग अलग तरीके के पैटर्न्स भी बना सकते हैं। अब पैटर्न से मेरा क्या मतलब है, अब जैसे कि ऑल्ट यू करूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको लगाए दिल रोज बुलाए आजाना सोनिया, आजा सोनिया, ओ शाम। तो इस तरीके के पैटर्न बना सकते हैं, या तो हम अलग अलग और भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आरपेजिएट कर सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बना के देख सकते हो कि आपके जो सॉन्ग है उस पर कौन सा पैटर्न सूट करता है। अब हर एक सॉन्ग में सिर्फ नॉर्मल सिंपल कोड्स नहीं आती हैं, बट आप एक बिगनर स्टेज पर हो तो एटलीस्ट आप कोड निकाल पा रहे हो, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप अपने छोटे मोटे कवर्स तो सिर्फ कोड्स लगाकर ही बना सकते हो, बाकी मेन जो पैटर्न्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपने सॉन्ग्स में करता हूँ, यूजुअली सिर्फ एक लेयर होती है हमारी कोड्स की, जो भी पियानो या फिर मुझे गिटार कोड्स देनी है, उसके बाद दूसरी लेयर होती है हमारे पैड्स वगैरह की, स्ट्रिंग सेक्शन की कोड्स वगैरह यूज़ होती हैं। कई बार स्ट्रिंग सेक्शन में भी मैं पैटर्न्स यूज़ करता हूँ, सिंपल कोड्स यूज़ नहीं करता हूँ, बट कोड्स निकालनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको जो पैटर्न्स बनेंगे, आपके जो अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनेंगे वो इन कोड्स के हिसाब से ही बनेंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो कोई भी अगर मेरे सॉन्ग के मेरे वोकल्स के नीचे कोई भी अगर मेलोडी चलेगी तो मैं उसके हिसाब से बना सकता हूँ कुछ भी, मतलब अभी तो रैंडम कुछ भी। तो आप
तो आप किसी भी टाइप की मेलोडी बना सकते हैं, बस वो आपके वोकल्स के नीचे सूट करनी चाहिए, उससे मैच करनी चाहिए एक तरीके से। तो वो आपके कोड्स के हिसाब से ही बनेगी कि जिस स्केल की कोड आएगी उसमें, जिस नोट की कोड आएगी, तो उसके हिसाब से ही आपकी मेलोडी बनेगी आपके वोकल्स के नीचे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप जो भी कोड बनाएं उसको अपने कानों के हिसाब से बनाएं, ना कि जो दिख रहा है उसके हिसाब से। वो मेथड मैंने आपको बताया कि आप देख सकें कि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि कोड फाइंड करने में, बट आपको ओवरऑल जो कोड फाइंड करनी है वो अपने कानों की मदद से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बना दिया तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा, कोड ढूंढनी पड़ेगी, और बाय द टाइम जब आपको आपकी ईयर ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपको इस मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन फ्यूचर में आप अपने कानों से ही कोड फाइंड कर सकते हैं और बस आपका काम इसी में बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेथड पसंद आया होगा। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको अपनी कोड्स निकालने में, और भी कई मेथड है, इवन आपको अपनी की निकालने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके भी मेरे पास कई अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन है जो कि ईयर ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं है। बिना ईयर ट्रेनिंग के भी की निकल जाती हैं, कई तरीके होते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कुछ वीडियो बनाऊं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर ही देना, उससे मिलती है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जिससे मैं और ऐसी वीडियो ला पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।